नमस्कार भाइयों बहनों, मेरा नाम है शुभांकर सिंह। स्वागत है आपका मिस्टर ऑसम शो की एक नई वीडियो पे। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रियलमी एक्स के बारे में। भाई बात करेंगे कैसे इसके फीचर्स, कैसे इसके कैमरास, क्या इस पे आप गेमिंग कर सकते हैं, सारी बातें करेंगे अच्छे से, क्योंकि मैंने इसे 10 दिन अब इस्तेमाल कर लिया है और भाई काफी अच्छा रिव्यू है। तो ज्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। भाई ये फोन दिखने में बहुत खूबसूरत है, तो इसलिए इसकी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिजाइन के बारे में। भाई डिजाइन इसका बहुत ही लाजवाब है, 17,000 के रेंज में ऐसा डिजाइन बहुत मुश्किल से मिलता है। पॉपअप कैमरा सब मतलब काफी अच्छा इसका डिजाइन है। और जो इसमें आपको बैक में ये व्हाइट कलर मिलता है, पर्ल व्हाइट, भाई बहुत खूबसूरत लगता है। साथ में इसमें जो आपका कैमरा का बम्प है वो भी कुछ खास ज्यादा नहीं है। और साइड में ये जो गोल्डन एल्युमिनियम फिनिश मिला हुआ है भाई, वो भी बहुत धांसु लगता है। इसका जो पावर बटन है उस पर भी हल्का सा इफेक्ट दिया हुआ है, तो इसको एक प्रीमियम लुक देता है। और भाई सेकेंडरी माइक्रोफोन इसमें है ही, आप जैसा टेक्निकल गुरुजी कहते हैं प्यारा दुलारा हेडफोन जैक, तो भाई वो भी इसमें अवेलेबल है। टाइप सी इसमें लगता है भाई, पूरा इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, स्पीकर ग्रिल है, और इसमें आप दो सिम लगा सकते हैं। मेमोरी कार्ड इसमें आपको नहीं मिलेगा ऑप्शन, लेकिन 128GB फ़ोन में मिल रहा है तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बाकी डिज़ाइन तो इसका बहुत खूबसूरत है, हाथ में हल्का फील होता है। मैं रेडमी नोट 5 प्रो यूज़ करता हूँ भाई, उससे भी मुझे ये हल्का फील होता है और प्रीमियम भी लगता है। अब बात करते हैं इसके थोड़े डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में भी भाई ये मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। एमोलेड से आप क्या उम्मीद भी कर सकते हैं, एमोलेड स्क्रीन लगी हुई है जिसके वजह से इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा हुआ है। तो जो इसका कलर है इतना पंची है कि आपको वीडियो देखने में इतना मजा आएगा इसमें कहने को नहीं। और भाई जैसा आप देख रहे हैं वीडियो इसमें काफी मजा आता है देखने में। तो ये है इसकी क्वालिटी वीडियो की, और मतलब आप इसमें आराम से मूवीज के मजे ले सकते हैं। मतलब स्पीकर्स भी इसके काफी अच्छे हैं, जो हेडफोन जैक से इसके आउटपुट आता है वो भी काफी अच्छा है। तो ये सब चीजें इसकी मतलब इतने कम दाम में ये सब चीजें भी आपको अच्छी मिल रही है, तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि काफी सारी कंपनीज इसे कट कर देती हैं। और इतने बेहतरीन डिस्प्ले के साथ ये सब चीजें जब ऐड होती हैं तो भाई डिस्प्ले की रौनक भी और बढ़ जाती है। अगर आपका डिस्प्ले अच्छा है, साउंड अच्छा नहीं है, तो उतना मज़ा नहीं आता। पर इसका क्या है, डिस्प्ले सब बहुत बेहतरीन है, और मतलब आप किसी भी एंगल से देखें आपको डिस्प्ले पूरी अच्छी तरीके से दिखेगी भाई। जो एमोलेड के फीचर्स होते हैं बहुत अच्छी डिस्प्ले, और काफ़ी स्नैपी फ़ोन है, तो डिस्प्ले में भी मैं इसे 10 out of 10 दूंगा। अब बात करते हैं भाई इसके वेरिएंट्स की, तो इसमें दो वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एक 17,000 का जो ये वाला है, इसमें आपको 4GB रैम और 128GB आपको इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। बाकी जो एक और इसका वर्जन है उसमें आपको 8GB रैम और 128GB मिल जाएगी। तो अगर आपको थोड़ा गेमिंग करना है या आपको रैम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आप ज़रूर वो 20,000 का आप उसे लें। बाकी अगर आपका 4GB रैम में भी काम आपका चल जाता है तो आप इसके साथ ही जाएं, क्योंकि सस्ते में भाई बहुत अच्छे ऑप्शंस ही दे रहा है। 128GB तो आपको मेमोरी मिल ही रही है, उसमें भी 128GB है। और बात रही इसमें गेमिंग की, तो भाई आप 710 प्रोसेसर से उम्मीद कर सकते हैं कि आपको पबजी तो आपको हाई पे आराम से खिलाएगा बिना किसी लैग के, और इसमें आपको गेमिंग बूस्ट सारा मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा इसका सॉफ्टवेयर है, तो गेमिंग बूस्ट आपको जो इसमें मिल रहा है वो काफ़ी बेहतरीन है। आपके गेम्स को अच्छे से बूस्ट करके रखेगा, नेटवर्क कनेक्शन को बना के रखेगा ताकि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। और मैंने इसमें गेम खेले कुछ पबजी, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया पबजी खेलना, तो फिलहाल डिलीटेड है। लेकिन भाई गेमिंग एक्सपीरियंस इसमें काफ़ी अच्छा था, तो आप बिना शक के इसे ले सकते हैं अगर आपको गेम्स खेलने हैं तो भी। बात करते हैं इसके OS के बारे में, जो इसका कलर OS है काफ़ी मतलब स्नैपी है और मतलब इजी टू यूज़ है। ज़्यादा इसमें आपको एड्स वैड्स देखने को नहीं मिलेंगे, और जैसे MI के फ़ोन्स में होते हैं अक्सर एड्स वैड्स आते हैं और काफ़ी सारे उनके खुद के ऐप्स होते हैं जो डिलीट नहीं किए जा सकते, ये उसके मुकाबले काफ़ी सही है, क्योंकि इसके खुद के ऐप्स भी कम थे और काफ़ी स्नैपी फील करता है। मतलब अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो, आसान है इसे यूज़ करना। थोड़ा बहुत इसका एंड्रॉयड जो स्टॉक एंड्रॉयड होता है उससे थोड़ा सिमिलरी मैं बोलूँगा, और अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है आप, मतलब इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके कलर OS को मैं 8 out of
10 दूंगा। अब बात करते हैं भाई सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जिसके वजह से बहुत लोग अपना फ़ोन डिसाइड कर लेते हैं भाई, वो होता है कैमरा। लोगों को आजकल अपने फ़ोन में कैमरा काफ़ी अच्छा चाहिए होता है भाई, ये वो ज़रूरतें पूरी करता है, क्योंकि इसमें आपको पीछे का सोनी का 48 मेगापिक्सल का वही 586 वाला सेंसर मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छी फ़ोटो खींचता है भाई। इसमें जो मैक्रो लेंस का नया वाला टेक्नोलॉजी आया है, जो रियलमी 5 प्रो और रियलमी जो XT आ रहा है, इन सब में आपको दिया जा रहा है, जिसमें भी क्वाड कैमराज है भाई, इसमें भी मुझे मैक्रो लेंस का ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि जब मैं फोटोज खींचता हूँ किसी भी चीज़ का काफ़ी क्लोजली, तो मैक्रो लेंस का इसमें दिखाता है कि भाई एक्टिवेटेड है। तो पता नहीं वो उसके लिए अलग से लेंस चाहिए होती है कि क्या है, लेकिन इसमें एक्टिवेट हो जाता है वो। तो भाई आपको जो इसमें रियर में कैमरा मिल रहा है उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे इसके फ्रंट कैमरा में थोड़ा सा वो लगा कि अगर लाइटिंग कंडीशन सही ना हो तो काफ़ी डार्क फोटोज़ आ रही हैं, और अगर आप अच्छे लाइटिंग कंडीशन में हो तो काफ़ी नेचुरल फ़ोटोज़ मिलेंगी आपको, कोई मतलब एक्स्ट्रा इफेक्ट्स इफेक्ट्स नहीं, जैसे नेचुरल होती हैं चीज़ें वैसे आपको दिखेंगी, कलर में शार्पनेस होगी। मैं आपको कुछ सैम्पल्स भी दिखा देता हूँ। तो भाई आउटडोर कंडीशन में इसकी काफ़ी अच्छी इमेजेस आती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे कलर्स को इसमें सैचुरेट किया हुआ है, और मतलब ज़्यादा इसमें नॉइज़ आपको देखने को नहीं मिलता, काफ़ी क्लियर इमेज है, और मतलब ऐसी इमेजेस बहुत अच्छी होती है। इसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी फुल HD में कर सकते हैं, पूरा इसमें सपोर्ट दिया हुआ है, और इसमें आप जो स्टेबलाइजेशन होती है वो भी इसमें इनेबल्ड है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और इसका मैं कुछ आपको इंडोर लाइटिंग की भी इमेजेस दिखा देता हूँ, जो सेल्फी कैमरे से ली गई है, तो ये थोड़ी सी मैं बोलूँगा थोड़ी सी डार्क है, बाकी तो नेचुरल है एकदम, और काफ़ी अच्छी थी। अब मैं MI का फ़ोन यूज़ कर रहा था, तो MI में क्या है कि थोड़ा वार्म कलर दिखता है, मतलब थोड़ा सा ऑरेंजिश मतलब येलोइश का टिंट रहता है, तो थोड़ा वार्मिश रहता है सनी टाइप का, और इसमें थोड़ा कूल वाला इफेक्ट है, तो इसमें थोड़ी फोटोज ब्लूअर आती है और ओरिजिनल आती हैं। तो हो सकता है मैंने शिफ्ट किया इसलिए मुझे अजीब लग रहा है, पर काफ़ी अच्छा है। कैमरे में भी इसकी कोई बुराई नहीं है, अगर आपको मैं ऐसे कैमरे में मार्क्स दूंगा तो रियर कैमरे को भाई 9 out of 10 और फ्रंट कैमरा को 8 out of 10, तो एवरेज इसका स्कोर भाई 9 पूरा निकल के आता है। काफ़ी अच्छा फ़ोन है भाई, आप इसे ज़रूर कंसिडर करिएगा। आज भी ये काफ़ी सारे फ़ोन सब आ चुके हैं, तो लोग कंफ्यूज है कि अब इसे लेना चाहिए कि आगे के फ़ोन का इंतज़ार करना चाहिए। भाई आगे के फ़ोन में कुछ खास होने नहीं वाला। हाँ भाई, जैसे अब नोट 8 प्रो है, तो भाई इन सब का दाम अभी कन्फर्म नहीं है, और अगर आप रियलमी 5 प्रो और इसमें कन्फ्यूज हैं, और अगर आपके पास 17,000 का बजट है, तो आप प्लीज़ इसी के साथ जाइए, क्योंकि रियलमी 5 प्रो से ये बेटर तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन डिज़ाइन विज़ाइन इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। पॉपअप कैमरा इन डिस्प्ले एमोलेड जो ये सब चीज़ें हैं वो इसे अलग बताती हैं। और रियलमी 5 प्रो क्या है, इसमें जैसे थोड़ा प्रोसेसर उसका बेटर है, गेमिंग में आप उसमें ज़्यादा अच्छी कर पाएंगे, तो अगर आपको सिर्फ गेमिंग के लिए लेना है तो आप ज़रूर रियलमी 5 प्रो लें, लेकिन अगर आपको बाकी सारी चीज़ें चाहिए, जैसे स्क्रीन आपकी मज़ेदार हो एकदम, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हो, पॉपअप कैमरा हो, तो भाई आप ज़रूर इसके साथ जाएं। ये मतलब डिज़ाइन और वैल्यू फॉर मनी एकदम फ़ोन है। 128 GB आपको मेमोरी मिल रही है। तो भाई यही थी आज की वीडियो मेरी इस फ़ोन के बारे में, और अगर आपको इस फ़ोन के बारे में और कुछ डिटेल्स जाननी होगी तो ज़रूर आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई और आपकी सजेशन होगी इस वीडियो के लिए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर मुझे आपको मेरे और भी कंटेंट्स देखने हैं, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे नए वीडियोस डालता हूँ, तो अगर आपको मेरे और भी कंटेंट्स देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। देश को स्वस्थ रखिएगा, अपने आप को स्वस्थ रखिएगा, हमें भी स्वस्थ रखिएगा। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।